हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशम का उत्पादन, मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क। रेशम को हम वस्त्रों की रानी भी कहते हैं, क्योंकि इससे बना हुआ जो कपड़ा होता है बहुत ही अद्भुत होता है, विलक्षण होता है, उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है, खूबसूरत होता है, चमकीला होता है और कॉमन होता है। इसकी खोज जो है वो 2500 साल पहले चीन में की गई थी। वहाँ पर चीन की एक रानी सी लिंग ची, वो अपने बाग में टहल रही थी, तो बाग में उसने नीचे एक कोकून पड़ा हुआ देखा, जो उसने उत्सुकता पूर्वक उठाकर अपने चाय के कप में डाल दिया। चाय के कप में से उसने देखा बाग में एक खूबसूरत, जब कोकून को बाहर निकाला तो एक खूबसूरत रेशा बाहर निकल रहा था, तो उसने उसके उससे फिर सिल्क का खोज हुई और इसीलिए उन्हें सी लिंग ची को हम रेशम की रानी भी कहते हैं। इसके बाद जापान में इसका उत्पादन वैज्ञानिक तरीके से रेशम का उत्पादन किया जाने लगा, और जो कंट्रीज इसका उत्पादन करती हैं उनमें चीन इटली स्पेन, फ्रांस, जापान, बुल्गारिया और भारत आते हैं। पूरे विश्व की जितनी सिल्क बनती है उसका 66% जो है वो जापान में बनता है, और ये जापान में जो खेती की जाती है ये वैज्ञानिक तरीके से होती है, नियंत्रित रूप से रेशम के कीड़ों को पालकर उनसे रेशम लिया जाता है और कारखानों में उसका फिर उससे कपड़ा तैयार होता है। हमारे भारतवर्ष में कश्मीर, बंगाल, मैसूर और मद्रास ये केंद्र हैं जहाँ पर सिल्क का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है, रेशम का उत्पादन हम कैसे करते हैं, रेशम हमें किससे मिलता है, रेशम के कीड़ों से। तो रेशम के कीड़े को उनका एक लेसदार स्त्राव होता है जिससे सिल्क बनता है, तो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको पालना और उनसे रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं। जैसे पोल्ट्री में हम लोग मुर्गियों को पालते हैं अंडे पैदा करने के लिए, उससे प्रोडक्ट्स लेने के लिए, उसी तरह सेरीकल्चर रेशम के कीड़े को पालना और रेशम का कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया होती है। अब है रेशम के कीड़े पालना और रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसमें सबसे पहला है शहतूत के वृक्षों की खेती। रेशम का कीड़ा जो है वो पेड़ों के पत्ते खाकर जीवित रहता है, लेकिन अच्छी किस्म की रेशम तभी मिलती है जब कीड़े ने शहतूत के पत्तों को खाया हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रेशम का उत्पादन के लिए शहतूत के वृक्षों की खेती करें, तभी अच्छी किस्म के लिए शहतूत के पत्ते कीड़ों को खाने के लिए मिलेंगे। जब शहतूत के पेड़ों की हम खेती करेंगे उसके बाद फिर हम रेशम के कीड़ों को पालेंगे। रेशम के कीड़े को हम पालते हैं दो कारणों की वजह से, पहला उनसे रेशम लेने के लिए, सिल्क का उत्पादन करने के लिए, दूसरा और कीड़े प्राप्त करने के लिए। अगर हम पहले वाले सभी कीड़ों को मारकर उनसे सिल्क ले लेंगे तो उससे क्या होगा, बाद में हम सिल्क पैदा नहीं कर पाएंगे और कीड़े हमारे पास नहीं बचेंगे, तो कुछ कीड़े हमें और नए कीड़े पैदा करने के लिए भी छोड़ने पड़ते हैं। रेशम के कीड़े के जीवन की चार अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था अंडे की अवस्था। रेशम के कीड़े के जीवन की चार अवस्थाएं होती हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। अंडा जो है वो एक कीड़ा लगभग 350 से 400 अंडे देता है, और ये अंडे विशेष प्रकार के कागज पर दिलवाए जाते हैं। उसके बाद इन अंडों को 6 हफ्ते तक, 6 वीक तक ठंडे स्थान पर रखा जाता है। उसके बाद उन अंडों को कागजों सहित 6 हफ्ते के बाद अंडों को कागजों सहित गर्म पानी से धोया जाता है। उसके बाद फिर विशेष प्रकार की चटाइयों पर 10 दिनों तक एक समान तापमान, टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में रोशनी, धूप और नमी हो, तब तक उनको रखते हैं। तो इसमें लगभग 10 दिन का समय लगता है और फिर 10 दिनों में ये अंडा जो है वो लार्वा में बदल जाता है। लार्वा की अवस्था
ये लार्वा लगभग 3 मिलीमीटर लंबा होता है और इसको नियंत्रित अवस्था में 20 से 32 दिनों तक शहदूत के कटे हुए पत्तों को खाने के लिए इसको देते रहते हैं और ये धीरे धीरे इसका साइज और इसका वेट दोनों बढ़ने लगते हैं। उसके बाद ये 4 बार अपनी त्वचा को त्याग देता है। त्वचा को ऊपर से इसलिए त्यागता है क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है और पुरानी त्वचा या खोल उसको तोड़कर ये नया खोल प्राप्त कर लेता है। अब ये आखिरी जो त्वचा होती है, आखिरी जो अवस्था होती है, तब तक ये 3.5 इंच लंबा हो जाता है। शुरू में 3 मिलीमीटर लंबा था, 3.5 इंच लंबा हो गया, ब्राउन इसका कलर हो जाता है जो बाद में पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। और जब चौथी अवस्था खत्म होती है तब तक ये इसकी शेप जो है, जैसे हम 8 लिखते हैं, इस आकार का ये हो जाता है। अब इसमें मुख के पास, इसका जो मुख है उसके पास से 2 ग्रंथियों होती हैं, वहां से उन ग्रंथियों से गोंद जैसा गाढ़ा लार इसका निकलता है। जैसे हमारे मुख में थूक या लार होती है, तो इसमें भी गाढ़ा लार जैसा पदार्थ, गोंद जैसा इसके मुख के पास से ग्रंथियों से निकलता है। डबल होता है इसलिए दोगुना धागा इससे बनता है। तो अब इस लार में क्या होता है, इस लार में 2 चीजें हैं, फाइब्रोइन और सेरिसिन। फाइब्रोइन से रेशम का धागा बनता है और सेरिसिन गोंद जैसा चिकना पदार्थ होता है जो धागों को जोड़ने में मदद करता है। और इस लार से फिर कोकून बनता है, कीड़ा अपने आप घूमता रहता है लार्वा, उसके चारों तरफ ये गोंद जैसा पदार्थ चिपकता रहता है और अपने आप को कीड़ा उसके ऊपर लपेटता रहता है और चारों तरफ ये लिपटी हुई जो ये गाढ़ा लार है उससे मूंगफली जैसा खोल बन जाता है। अब ये 10 से 15 दिन तक हमारा ये लार्वा, जिसने अपने ऊपर मूंगफली का खोल जैसा चढ़ा लिया, ये सोता रहता है और उसके बाद ये प्यूपा में बदलता है। उसके बाद है तीसरी अवस्था प्यूपा। प्यूपा की अवस्था में अगर इसको छेड़ा ना जाए तो 2 सप्ताह के बाद ये कीड़े में बदल जाता है। कीड़े की अवस्था, जब कीड़े की अवस्था में आ गया तो अपना आप अपना खोल तोड़कर कीड़ा बाहर आ जाता है। अभी क्या है, यहाँ पे कोकून या खोल अगर टूट जाता है तो उसमें जो तंतु बनते हैं वो तंतु भी टूट गए क्योंकि असामान्य रूप से वो टूटा है, तो उन छोटे तंतुओं से स्पन सिल्क तैयार की जाती है और लंबे तंतु पाने के लिए हमें प्यूपा की अवस्था में ही कीड़े को मारना पड़ेगा, तभी हम अच्छी किस्म की सिल्क प्राप्त कर सकेंगे। अब उसके बाद तीसरा, हमने कीड़े पाल लिए दूसरी अवस्था में, उसके बाद कीड़े पालने के बाद हमें कोकून को इकट्ठा करना है और फिर कोकून की छंटाई करनी है, कोकून को छांटना है। छांटना कैसे है, उनके आकार, उनकी रचना, उनकी रंग और उनकी आकृति के अनुसार कोकून को छांटते हैं। इससे हमें लंबे रेशे प्राप्त होते हैं, छोटे तंतु प्राप्त होते हैं और अनुपयोगी जो किसी काम के नहीं है, वेस्ट हैं, वो अलग अलग 3 वर्गों में छांट देते हैं। उसके बाद शुद्धिकरण, साफ करना। साफ करने के लिए या तो इन कोकून को हम उबलते हुए साबुन वाले पानी में डालेंगे या उनके ऊपर गर्म भाप डालेंगे। इससे क्या होगा, प्यूपा मर जाएगा अंदर और गोंद जो है वो नरम हो जाएगी, जिससे आसानी से हम रेशे को अलग कर सकते हैं। इसके लिए हमें उसके ऊपर ब्रश फेरना होता है धीरे धीरे। उसके ऊपर ब्रश करने से हमें धागे का किनारा मिल जाता है, उसको हम ढूंढ लेते हैं और अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती हैं। उसके बाद 5वां है धागे को लपेटना। अब हम कोकून से धागे को लपेटना शुरू करेंगे। कम से कम 3 धागे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 धागों को इकट्ठा एक साथ लपेटा जाता है। हमें जितनी मोटाई चाहिए, इच्छा अनुसार मोटाई के अनुसार धागों की संख्या हम लेते हैं, तो उन धागों को हम एक चरखी या रील पे लपेट लेंगे। चरखी पे या रील पे लपेटते हैं। लपेटते समय थ्रोइंग या ऐंठन दी जाती है जिससे धागे में मजबूती होती है। और अगर हम इन 3 या 10 धागों को डॉलर के छिद्र में से निकालें तो उनकी मजबूती भी बराबर, उनकी मोटाई बराबर हो जाती है एक समान, उनमें मजबूती भी आ जाती है। जहाँ पर धागा खत्म हो जाता है कोकून का,
तो मिश्रित सूत से उस धागे नए धागे को वहां पर हम जोड़ देते हैं। अब धागों से फिर लच्छियां बनाते हैं और लच्छियों को कपड़ा बुनने के लिए भेज दिया जाता है। हमें एक कोकून से 2000 से 4000 गज रेशम का धागा मिलता है और 3000 कोकून से 1 मीटर रेशम का कपड़ा हमें मिलता है। इसीलिए प्योर सिल्क शुद्ध रेशम इतनी महंगी होती है। छठा पॉइंट है गोंद उतारना। जो गोंद या सेरिसिन लगी हुई थी यहाँ पे जो थी, इस गोंद को अब उतारने के लिए बुने हुए कपड़े में 30 से 35% गोंद है। इसको उतारने के लिए इसको साबुन वाले पानी में उबाला जाता है। उसके बाद 7th पॉइंट रेशम को भारी बनाना। जो गोंद रेशम में लगी हुई थी उसको उतारने से कपड़े का वजन 20 से 30% कम हो जाता है। तो अब हमें उसको भारी बनाना है। भारी हम धागे की अवस्था में बना सकते हैं, भारी हम कपड़े की अवस्था में बना सकते हैं, भारी हम कपड़े को डाई करते समय बना सकते हैं। धागे बनाने के लिए हम दो तरीकों का प्रयोग करते हैं। पहला, धागे में धातुओं के अवशोषण से। धातु जैसा कि टिन या लोहा, टिन लोहा, इसके प्रति सिल्क जो है सादृश्य होता है तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये टिकाऊ नहीं है, अधिक भारी हो जाता है कपड़ा, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और पसीने और धूप में कमजोर हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन बेटर है जिसमें अकार्बनिक नमक का घोल, उससे कपड़े को भारी बनाते हैं। 15% सांद्रता, सांद्रता मीन्स गाढ़ेपन वाला स्टैनिक क्लोराइड का घोल देते हैं। ये घोल नमक जो है धोने से भी कपड़े से नहीं निकलता और लंबे समय तक रेशम के कपड़ों में बना रहता है। उसके बाद 8वां है विरंजन या ब्लीच करना। रेशम को ब्लीच करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीकारक ब्लीच होती हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। फिर है रंगाई डाई करना। रेशम रंगों के प्रति सादृश्य है डाइज के प्रति, इसलिए हम कोई भी डाइज यूज कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर हम अंग्रेजी डाइज का प्रयोग करते हैं। धोने पर भी रंग के रहते हैं, उनकी चमक बनी रहती है। फिर है छपाई। अब हमने सिल्क के ऊपर प्रिंट्स करने हैं, प्रिंटिंग करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे डाइंग अच्छी है तो छपाई भी अच्छी है। नॉर्मली सिल्क को पहले डाई किया जाता है, फिर उसके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। फिर है परिष्कृति, परिसज्जा, फिनिशिंग। क्योंकि सिल्क में अपने आप में ही बहुत चमक है, कोमल है, एक समान बनावट है, मजबूत है, तो ज़्यादा परिसज्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ इस पर प्रेस करते हैं, इसको कड़ा करते हैं और रोल उठाते हैं। इसके साथ ही सिल्क का उत्पादन जो है वो कम्प्लीट हो गया, रेशम का उत्पादन। हम यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क के प्रकार, सिल्क दो प्रकार की होती है, वाइल्ड सिल्क और कल्टीवेटेड सिल्क। वाइल्ड सिल्क जिसे जंगली सिल्क भी कहते हैं, ये सिल्क स्वनिर्मित होती है अपने आप। जैसे जंगल में कोई भी पेड़ पौधों पे रेशम के कीड़े यहाँ पे उत्पन्न हो गए, किसी भी प्रकार के पत्ते जो उनको मिले उन्होंने खा लिए। नॉर्मली ओक अरंडी के पत्तों को खाते हैं जंगल में, और उनसे फिर जो इकट्ठा करके जंगल से ले आए कोकून, उनसे जो सिल्क बनाई जाती है वो ये स्वनिर्मित या वाइल्ड सिल्क होती है। इससे बना हुआ सिल्क कड़ा होता है, मोटा होता है, खुरदरा होता है, कम चिकना है, मजबूत है और सस्ता है। ये सस्ता होता है। इसके दो प्रकार हैं, मूंगा और अरंडी। मूंगा सिल्क ज़्यादा अच्छा होता है। अरंडी जो है ये ओक के पत्तों, अरंडी के पत्तों को खाकर रेशम का कीड़ा ये सिल्क बनाता है, तो उसमें टैनिक अम्ल की वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। तो या तो इसका नेचुरल ब्राउन कलर ही में मिलता है या इसको फिर डार्क शेड में डाई किया जाता है। दूसरा है कल्टीवेटेड या उत्पादित सिल्क। ये सिल्क जो है दो प्रकार का है, लपेटा हुआ या कटा हुआ। लपेटा हुआ सिल्क जो होता है वो लंबे रेशों से प्राप्त होता है और लंबे रेशों से बना हुआ ये कोमल, मजबूत, चमकदार और महंगा होता है। कटा हुआ स्पंज जो होता है ये कम चमक वाला, कम मजबूत, कम इसमें इलास्टिसिटी होती है, पहनने के बाद इस पे रोएं आ जाते हैं। ये सिल्क जो है स्पंज सिल्क, जो कोकून टूट गए उनसे जो तंतु हैं टूटे हुए, उनको कोकून के टुकड़ों को उनको मसाले से पकाकर फिर उसको रुई की तरह कताई करके
फिर उससे ये सिल्क बनाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशम की प्रॉपर्टीज या गुण विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।